नीकच गांव में मस्जिद के पास डीजे बंद कराने को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने किया बारातियों पर जानलेवा हमला। महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल। जी हां, रामगढ़ क्षेत्र के नौगवा थाना अंतर्गत नीकच के पास मंदुकाबास में श्यामलाल जाति और राजपूत की बेटी की शादी थी, जिसमें बारात बहादुरपुर क्षेत्र के नाहरपुर से आई हुई थी। बारात की चढ़ाई चल रही थी तो मस्जिद के पास विशेष समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा तो बारात ने इसका विरोध जताया तो विशेष समुदाय के लोगों ने बारात पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर पथराव किया, जिसमें महिलाएं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला के गंभीर चोट लगने से नौगवा हॉस्पिटल से उसे अलवर रेफर कर दिया गया। रामदास पुत्र ढालूराम जाति और राजपूत निवासी नाहरपुर ने नौगवा थाने पर रिपोर्ट पेश की है कि रविवार को मैं अपनी पोती की बारात लेकर नीकच के पास मंडुका गांव आया था। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार डीजे व घोड़े बग्गी से बारात निकाली जा रही थी। वहीं मस्जिद के पास विशेष समुदाय के जावेद व मुश्ताक ने मस्जिद के पास डीजे बंद करने को कहा तो बारातियों ने इसका विरोध जताया। इसी बात को लेकर उनके परिवार की महिलाओं सहित सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर आए और बारातियों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके पश्चात बारातियों पर जमकर पथराव किया गया। हमले में महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना की सूचना पर एडिशनल SP तेज सिंह, DSP ओम प्रकाश बिश्नोई व कई थानों के पुलिस चापता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। एडिशनल SP तेज सिंह का कहना है कि इस मामले में दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। कितने लोग घायल हुए? 6 से 7 लोग घायल हुए। कितने महिला, कितने पुरुष? तकरीबन 3-4 महिलाओं के और 3-4 अपने। घायलों को कहां लेकर गए हुए? घायलों मुबारकपुर लेके गए थे, उसके बाद वहां से रेफर किया है अलवर की तरफ गए हैं।